सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलने वाले, वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो पीछे बना चुका हूँ, लेवल्स वगैरह आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे भी कैसे क्या माहौल बन सकते हैं। 54.55 के भाव में स्टॉक की क्लोजिंग आई है 1.5% के आसपास, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप है, मार्केट है, उसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला था, तो वो एक कारण है भी यहाँ पर गिरावट का। इसके बाद आप लोगों ने कंपनी ने एक नहीं दो नहीं तीन बड़ी खुशखबरियाँ दी है, जिसका इम्पैक्ट कल के दिन हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप लोग देखोगे कंपनी की आने है कल सुबह रिजल्ट्स, सॉरी सुबह तो नहीं आएंगे, आप लोग देखोगे भी इसके चांस तो मार्केट टाइम में आने की है, लास्ट टाइम में आप लोग देखोगे 2 बजे से 3 बजे के आसपास आने की संभावना है। बाकी अगर आ जाते हैं मार्केट टाइम में तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अभी जैसे रिजल्ट्स आएंगे, ताकि आप लोग टाइम रहते इसके अंदर अपनी जो स्ट्रैटेजी वो बना सको। उसके बाद जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो ये कि स्टॉक जो ASM में गया हुआ था, अभी के टाइम ASM से कम्प्लीटली रिलीज हो गए हैं, ठीक है, ASM में नहीं है स्टॉक, ये कम्प्लीटली रिलीज हो गया है, तो इस कंडीशन में स्टॉक के सर्किट फिल्टर चेंज होने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ से इसका सर्किट फिल्टर चेंज हो सकते हैं अप टू 10 या फिर 20% के होने की संभावना है। उसके बाद आप लोग देखोगे दूसरी खबर होगी, जो तीसरी खबर है वो ये है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स डिस्क्लोज किए, जहाँ पर आप लोग देखोगे एक बार फिर FII, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हैं, DII वाले हैं, जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो ये 3-4 बड़े कारण हमें एकदम से होते हुए नजर आए हैं, तो कल स्टॉक के ऊपर एक अच्छा एक्शन होने की संभावना है। यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन FII वालों ने खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है, DII वाले खरीद रहे हैं, बेच कौन रहा है, पब्लिक, तो पब्लिक बेच रही है, ये खरीद रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा संभलो, अभी ये सुजलॉन को बेचने का टाइम नहीं है, सुजलॉन अभी और चलने का है, ठीक है। और ये जो शेयर आपको 60 से 70 रुपये तक के मूव दिखाएगा, बट उसके लिए पेशेंस हमें रखना पड़ेगा भाई, विदाउट पेशेंस कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंस रखना है। और ऊपर में मैं बात करूँ टारगेट की, तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी इसका चार्ट वगैरह। अब तो यहाँ पर देखो स्टॉक अभी टाइम एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर है, ब्रेकआउट के ऊपर में अभी 50 रुपये 51 रुपये के आसपास का जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, ऑलमोस्ट 51 रुपये के आसपास का है भाई, 50 रुपये के आसपास का ये जो इसका ब्रेकआउट था, स्टॉक ने ब्रेकआउट दे रखा है, इसके ऊपर में है अभी के टाइम, तो यहाँ पर अभी हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं। कल रिजल्ट्स कैसे आएंगे उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है भाई, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिर भी नीचे में सपोर्ट रहेगा भाई, 50 का सेकंड रहेगा 44 का, अगर किसी भी कारण मार्केट में गिरावट की वजह से शेयर टूटे, ठीक है, कल मार्केट में करेक्शन बनेगी भी, क्यों बनेगी, रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC बैंक के रिजल्ट्स खराब। उसके बाद आप लोग देखोगे ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत, तो मार्केट के ऊपर पहले से ही असर है, दबाव है, तो ये और इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन कल के दिन देखने को मिल सकती है। और ये शेयर करेक्शन का शिकार होता है, नीचे में आता है, तो फ्रेश एंट्री के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, बट रिजल्ट का वेट कर लेना भाई, ठीक है, कल रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे आएंगे सबसे पहले चैनल पर अपडेट आपको मिल जाएगी, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ताकि टाइम रहते आपको जो भी अच्छी क्वालिटी के बेस्ट क्वालिटी का भी जो गिरावट हो ना मार्केट के अंदर, इस गिरावट के अंदर आपको 8-10 ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो आने वाले 1 से 2 महीने में अच्छी खासी कमाई आपको करके दे सकें, तो इसलिए हमारे टेलीग्राम को बिल्कुल मिस मत करना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।